PPT. Whatever we have discussed till now was very important, and in this PPT you will get some idea and you will get at least some structure, ना कि क्या कैसे क्या होता है ना. तो initial public offering. What is initial public offering? We will be covering the venture capital thing. We have covered the venture capital. ना venture capital क्या होता है? Initial public offering के बारे में डिस्कशन कर लिया है. और भी कुछ इश्यूज होते हैं ना, जैसे अच्छा ये तोशामती ये लोग लग रहा है कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, इसलिए इनको उतना ज्यादा पता है ना आईपीओ के बारे में ना, आई डोंट नो. तो कुछ और भी इश्यूज होते हैं जहाँ से कंपनी पैसे उठाती है ना अदर देन आईपीओ, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे. सिक्योरिटी सेल्स बाय पब्लिक कंपनीज राइट इशू होता है एक. तो वेंचर कैपिटल क्या होता है? मनी इन्वेस्टिंग इन्वेस्टेड टू फाइनेंस अ न्यू फर्म, ठीक है, दैट इज द वेंचर कैपिटल. Success is a new firm highly dependent on the effort of the manager. Restrictions are placed by this thing. Management by venture capital company, and funds are usually dispersed in stages after a certain level of success is achieved. So venture capital as I have already discussed with you. क्या होता है कि एक टाइम के बाद जब कंपनी में पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं, वो टाइम क्या होता है अभी हमने डिस्कस किया था, कौन बताएगा वो टाइम कौन सा होता है? एंड सीड फंड और एंजल फंड के बाद, सीड और एंजल फंड के बाद वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं ना, ठीक है. तो वो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं जहाँ पे सीरीज ए फंडिंग, सीरीज बी फंडिंग, वो सारी चीजें होती है. और लेकिन जरूरी नहीं है ना कि उसके बाद सीड फंड. वेंचर कैपिटल के फीचर क्या होते हैं ना, अब ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थोड़ा देख लेना. फाइनेंस न्यू एंड रैपिडली ग्रोइंग कंपनीज में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, वेंचर कैपिटल जो होते हैं. एक मिनट से पहले काफी रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है ना अदिति, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रिस्क काफी हाई होता है इसमें. और नो नॉट क्रेडिटर बट बिकम पार्टनर, जो वेंचर कैपिटल होते हैं केवल वो बोलते हैं कि हमें कंपनी में पार्टनरशिप भी चाहिए. देखो दो तरह के वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, एक होते हैं, देखो इसके बारे में डिस्कस करूंगा यार तो बहुत रात बीत जाएगी, बट मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ कि वेंचर कैपिटल एक उस तरह के होते हैं जिनका शॉर्ट टर्म व्यू होता है, जो एग्जिट स्ट्रैटेजी लेके आते हैं कि इस स्टार्टअप से 5 साल में इतना पैसा कमा के हमें निकल जाना है. और एक होते हैं जो पार्टनर बन जाते हैं, मैनेजमेंट के हिस्सा बन जाते हैं ना, बोलते हैं कि मेरा एक बंदा बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में भी रहेगा, कंपनी कैसे चलेगी वो भी मैं निर्धारित करूंगा ना, उसमें भी मेरा सही होना चाहिए ना. तो दो तरह के, तो वेंचर कैपिटलिस्ट सम टाइम बिकम्स पार्टनर आल्सो इन द कंपनी. तो वेंचर कैपिटलिस्ट आल्सो असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज, असिस्ट भी करते हैं. जो वेंचर कैपिटल लोग होते हैं काफी पढ़े लिखे, और मैं बताऊँ ये जो हार्वर्ड के जो बंदे होते हैं ना इनके बहुत फेमस है ना, ये लोग वेंचर कैपिटल फर्म में यूएस बेस्ड एक बंगा करके बंदे हैं ना, तो इंडियन बंदे हैं. काफी लोग हार्वर्ड और यूएस में वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स में स्टार्ट कर रहे हैं और वहाँ पे जॉब करते हैं. तो यूएस में बड़ा फेमस है ना, तो हार्वर्ड और इन सब के जो बंदे होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट फंड कंपनीज में जॉब करते हैं, और जब इतने पढ़े लिखे होते हैं तो वो नए प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने में मदद भी करते हैं ना. जैसे कोई हार्वर्ड का बंदा आया वेंचर कैपिटलिस्ट है ना, तो वो मुझे बता पैसे तो देगा ही देगा, मुझे समझाएगा भी कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं ना, ठीक है. आई एम टेकिंग मी एज एग्जांपल हियर, डोंट टेक इट अदरवाइज लिटरली. तो ऐड वैल्यू टू द कंपनी थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन, बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं, बताते हैं ना कंपनी की पीपीटीज में, कंपनी से बहुत मदद करते हैं मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं. नॉट टू गेट इंटरेस्ट बट कैपिटल गेन, इंटरेस्ट गेन नहीं है, बैंक की तरह पैसा नहीं, पैसे कैपिटल गेन. कैपिटल गेन एक हैवी वर्ड है ना, यू शुड अंडरस्टैंड दिस. कैपिटल गेन मतलब जहाँ पे मतलब काफी बड़ा इन्वेस्ट रिटर्न ये सीख करते हैं ना. इंटरेस्ट एक छोटा होता है कि पहले से प्री डिसाइडेड होता है, बैंक से लोन लोगे तो 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा. ये लोग 10% से कहीं ज्यादा 50, 100, 500% रिटर्न सीख करते हैं ना जब पैसे इन्वेस्ट करते हैं. सिद्धार्थ, यस सर, कैसा लग रहा है पीपीटी सुनते हुए? सर अच्छा लग रहा है, सर अच्छा लग रहा है. चलो एमबीए में है, आगे 5 साल यही करोगे जाके ना. यस सर, चलो अभी तो अच्छा लग रहा है, बाद में बोरिंग लगता है ना। चलो, वेंचर कैपिटल एंड एडवांटेजेस, ये हम इट इंजेक्ट लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस ना व्हिच प्रोवाइड्स अ सॉलिड कैपिटल बेस टू फ्यूचर ग्रोथ। क्वाइट मतलब मैंने ऐसे ही लिखा ही था कि काफी मतलब इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर्म में लिखा था, सब समझ में आ रहा है। वेंचर कैपिटलिस्ट इज अ बिजनेस पार्टनर शेयरिंग बोथ रिस्क एंड रिवॉर्ड ना। कई बार रिस्क भी होता है ना, कई बार वेंचर कैपिटलिस्ट का पैसा डूब भी जाता है, कई बार क्या मतलब ये प्रोबेबिलिटी पे खेलते हैं। मतलब 100 जगह पैसे लगाएंगे, इनको पता है 99 जगह डूब जाएगा, लेकिन एक जगह जहाँ से फायदा होगा ना वो इतना ज्यादा फायदा होगा कि वो सारे 199 के जो लॉस है उनको कवर कर लेगा। तो वेंचर कैपिटल बनना, कैपिटलिस्ट बनना आसान नहीं होता है, ठीक है। इट्स वेरी रिस्की जॉब and they play in risk reward matrix ना, probability के ऊपर dependent होता है पूरा game। काफी data analysis करते हैं जो McKinsey के consultant होते हैं ना, काफी high-fi जो models use करते हुए investment करते हैं। तो fourth point है that the venture capitalist is able to provide practical advice and assistance to the company based on the past experience with other companies in the similar situation। अब venture capitalist बताइए क्या होते हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट का काम ही यही होता है ना। ओयो जैसे पता नहीं ज़ोमैटो में इन्वेस्ट करने से पहले उन्होंने बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर चुके हो सकते हैं ना। हो सकता है मैगडी में पहले इन्वेस्ट किया हो, या हो सकता है केएफसी के इन्वेस्टर रहे हो ना, बड़ी बड़ी कंपनीज के इन्वेस्टर ऑलरेडी रह चुके होते हैं, तो उनके पास अनुभव भी होता है बच्चों ना। तो अपार्ट फ्रॉम पैसा ये अनुभव भी देते हैं ना, बात समझ रहे हो ना। पैसा ही नहीं इंपॉर्टेंट होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट ब्रिंग देयर एक्सपर्टीज आल्सो टू द स्टार्टअप। तो दैट इज द वेंचर कैपिटल एडवांटेज ना। आप देखो यार, देखो दो चीजें होती है, अभी तुम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करो। पैसा तो यार किसी मैं बताऊं जैसे कोई भुजिया वाले के पास भी होता है। टीवीएफ का पिक्चर्स था ना, उसमें भुजिया वाला था, अगर तुम लोग ने देखा हो तो। देखा है? यस सर। हाँ, तो उसमें भुजिया वाला था, किसने देखा है? देखना टीवीएफ का पिक्चर अगर तो उसमें भुजिया वाला था ना, तो पैसा तो भुजिया वाला भी दे सकता है ना, वो बहुत पैसे उसके पास, बट ही कैन नॉट बिकम मतलब ही कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ द वेंचर कैपिटलिस्ट ना, बिकॉज़ वेंचर कैपिटलिस्ट इज एक्सपर्ट इन डूइंग थिंग्स ना। तो अपार्ट फ्रॉम इंजेक्टिंग मनी इज इंजेक्टिंग ही इज इनटू द पार्टिसिपेशन मोड आल्सो ना। ही ब्रिंग्स द एक्सपर्टीज आल्सो, ही ब्रिंग्स द नेटवर्क आल्सो ना, ही ब्रिंग्स द पास्ट एक्सपीरियंस आल्सो टू द स्टार्टअप्स ना। तो वेंचर कैपिटलिस्ट के ये फायदे होते हैं, ठीक है। अच्छा, द वेंचर कैपिटलिस्ट आल्सो हैज नेटवर्क आल्सो कंपनीज, ठीक है। ये भी मैंने तुम लोगों को बता ही दिया ऑलरेडी कि उनका नेटवर्क होता है ना, ऑलरेडी कितनी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा होता है। जैसे मान लो ज़ोमैटो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको मान लो सप्लाई चेन में कोई दिक्कत हुई ना, तो लेट्स से वो मैगडी के साथ पहले ही काम कर चुके हैं ना, तो पूरी मैगडी की हेल्प ले सकते हैं ना, कि भाई मैगडी से पूछ लिया, ठीक है। मैगडी वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करती है, तो सप्लाई चेन में मैगडी से अच्छा थोड़ी हो जाएंगे यार वो लोग ना, तो मैगडी वाले मैनेजमेंट से उन्होंने वो कॉपी कर लिया ना। तो ये सब चीजें वेंचर कैपिटलिस्ट के फायदे होते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट आर एक्सपीरियंस्ड एंड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द कंपनी फॉर एन आईपीओ ऑफ इट्स शेयर। और वेंचर कैपिटलिस्ट जो स्टार्टअप जो बल्ले बंदे होते हैं, उनको स्टॉक मार्केट का नॉलेज थोड़ी होता है ना। देखिए कि आईपीओ कैसे लॉन्च करेंगे, क्या होगा, क्या प्रोसेस होता है, स्टार्टअप वाले बंदे से पूछो, उसको कुछ नहीं पता होता है। उसको ये वो एक पैशनेट बंदा होता है या बंदी होती है, या टीम ऑफ पीपल होते हैं जो कुछ भी करने को तैयार होते हैं ना, ठीक है। बट वो जो पीपीटी बनाना ना, ये सब करना, ये सब एमबीए वालों को भी पता होता है ना, ठीक है। जो स्टार्टअप वाले होते हैं उनको ये सब नहीं पता होता है, पीपीटी कैसे बनाते हैं। उनको बोलो कि पीपीटी एक वो बना दो, पिच डेक्स होती है जो इन्वेस्टर के सामने प्रेजेंट करते हैं ना। मैंने तो बहुत 75 बार करी हुई है ना अपने स्टार्टअप्स के लिए ना, तो मैं तुमको बता रहा हूँ वो पिच डेक बनाना बहुत बड़ी चीज होती है, तो लोगों को पता नहीं होता है ना, जो स्टार्टअप वाले होते हैं। तो वेंचर कैपिटलिस्ट वो सब काम पूरा इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है उसको ऑफर पूरा लिस्ट करना, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से बात करना ना, पूरा पेपर वर्क करना, उनमें भी मदद करते हैं ना। तो अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है। द इंडियन वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है ना, ये भी देखने की जरूरत है। 2006 में ये था लगभग कितना 0.6 और 0.9 1.7, ठीक है, अमाउंट रेज इन बिलियंस ना। ये बिलियंस में अमाउंट है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे जैसे देख रहे हो ये 2012 तक का डेटा है ना, उसके बाद जो है इसका बाद का डेटा जो आप देखोगे तो बहुत तेजी से डेटा ग्रो कर रहा है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के कुछ बेसिक वर्ड्स हैं ना, फर्स्ट ऑफरिंग टू स्टॉक टू द जनरल पब्लिक आईपीओ ना। अंडरराइटर क्या होता है? अंडरराइटर फर्म दैट बाइज एन इशू ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम अ कंपनी एंड रीसेल्स इट टू अ पब्लिक। अब जैसे मैं स्टार्टअप मेरा है ना, तो मैं नहीं करूँ, मुझे नहीं पता होता है ना कि कैसे आईपीओ लॉन्च करना है, तो मैं किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देता हूँ ना कि भाई मेरा आईपीओ लॉन्च करो जाके, ठीक है। मतलब सब्सक्राइब होना ही चाहिए, ठीक है, फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो कंपनी को मैं बोलता हूँ कि मेरा काम करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडरराइटर ना, वो अंडरराइट्स द कॉन्ट्रैक्ट ना। तो अब अगला टर्म है स्पीयर द डिफरेंस। अब मैं ये तुम लोग को इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम लोग इसके बारे में जब न्यूज में पढ़ो ना या सुनो कहीं से, तो तुम्हें काफी चीजें समझ में आएंगी ना। अभी टर्म्स नहीं पता होते तो समझ में कम आता है। स्प्रेड क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक ऑफर प्राइस एंड द प्राइस पेड बाय अंडरराइटर। अच्छा, स्प्रेड को मैं तुम्हें समझा देता हूँ ना। कई बार क्या होता है ना, जैसे Zomato का आईपीओ तो ओवर सब्सक्राइब हो, कई बार क्या होता है कि कंपनी बोलती है पैसे, पब्लिक से पैसे दो, लेकिन जब स्टॉक मार्केट में वो स्टॉक लिस्ट होता है ना तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टर आते नहीं है ना। तो जब ये होता है, रूल होता है कि 95% सब्सक्राइब होना चाहिए, मतलब सब्सक्रिप्शन जो रेशियो है 95% से कम है तो आईपीओ फेल हो जाता है, वो लिस्ट नहीं होती है कंपनी। तो अंडरराइटर की ड्यूटी होती है कि अगर वो 90% सब्सक्राइब हुआ है तो बाकी 5% पैसा अंडरराइटर अपनी जेब से लगा के उसको सब्सक्राइब करने की गारंटी लेता है। यही काम होता है अंडरराइटर का, इसीलिए लोग अंडरराइटर को पैसे देते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और इसके पैसे होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई सिद्धार्थ? यस सर। ना अंडरराइटर का क्या काम होता है? अगर पब्लिक फेथ नहीं है लोगों की स्टार्टअप में तो पब्लिक आती नहीं है, पब्लिक इन्वेस्ट नहीं करती है, और पब्लिक इन्वेस्ट नहीं करेगी तो आईपीओ लॉन्च नहीं हो पाएगा। तो अंडरराइटर जो है इस चीज की गारंटी लेता है कि लॉन्च होगा ही होगा ना। जो भी डिफरेंस आएगा, जिसको स्प्रेड बोलते हैं, वो अंडरराइटर बियर करता है, ठीक है। अच्छा, बाकी दोनों टर्म्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मोटिव फॉर एन आईपीओ, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है यार ना, ये टेक्निकल चीज है। आईपीओ का मोटिव क्या होता है ये देख लो। टू क्रिएट द पब्लिक शेयर्स एंड यूज इन फ्यूचर एक्विजिशन ना, कुछ मतलब 60% का ये परसेंट ऑफ सीईओज हु स्ट्रांगली एग्री विद द रीजन फॉर एन आईपीओ। जो CEOs होते हैं वो क्यों आईपीओ लॉन्च करना चाहते हैं, मतलब उनका मतलब कारण क्या होता है, पर्पस क्या होता है, मोटिव आईपीओ लॉन्च करने का क्या होता है। कई लोग होते हैं, जैसे मैंने कानपुर बेस्ड एक कंपनी है RSPL ना, घड़ी साबुन का नाम सुना है? घड़ी, यस सर ना, घड़ी घड़ी साबुन हो गया ना, पान पराग, यस सर, यस सर, सब लोग ने सुना है पान। तो ये कानपुर बेस्ड स्टार्टअप है बेटा, पान पराग तो बहुत फेमस हुआ था, उन्होंने जेम्स बॉन्ड को अपने ऐड के लिए ले लिया था ना, उसको भी पता नहीं लगा था कि मैं पान पराग का ऐड कर रहा हूँ ना, पान मसाले का, काफी कंट्रोवर्सी भी थी। तो देखो मैं तुमको बता दूं, जैसे RSPL है, कानपुर बेस्ड स्टार्टअप है ना, 5000 करोड़ रुपीज की वर्थ है, बट आज तक वो पब्लिक गया ही नहीं ना, उसने कभी पैसे उठाए नहीं पब्लिक से। तो आईपीओ लॉन्च करने के फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। वो नुकसान क्या है वो मैं तुम्हें बताऊंगा फिर बाद में, हाँ अभी बताता हूँ कुछ देर में ना। आईपीओ लॉन्च, तब तक तुम लोग सोचो, दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चलाओ कि आईपीओ लॉन्च करने के नुकसान क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। जो बताएगा मैं समझ जाऊंगा कि उसका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है ना। मतलब दिमाग लगाओ, आईपीओ लॉन्च करने के नुकसान क्या है। नोबडी डिस्कस अबाउट दिस थिंग, ठीक है, बट आई वॉन्ट you people to think over it now while just going through this PPT, yeah, ठीक है। तो देखते भी रहो, सोचते भी रहो ना। तो सबसे पहला मोटिव क्या होता है? क्रिएट पब्लिक शेयर्स फॉर द यूज ऑफ द फ्यूचर एक्विजिशन ना। कोई जैसे Zomato वालों ने भी ऊपर ईट्स को खरीद लिया, वो पैसे जुटाने के लिए होता है। तो establish the market price value of the firm, बिल्कुल मार्केट में प्राइस बाय वैल्यू एक फर्म की एस्टेब्लिश हो जाती है। Enhance the reputation of our company। कई लोग ये होता है जिनको कोई मतलब नहीं होता है, कहते हैं हमारी जो कंपनी है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, बोलने में बहुत अच्छा लगता है यार ना कि लिस्टेड कंपनी है ना। और होता है यार, ऐसे सीईओस का ईगो होता है ना, बोलते हैं कि बोलने में अच्छा लगता है दैट वी आर लिस्टेड, तो ये भी एक वो होता है। और ऐसे 50% लोग होते हैं, छोटे मोटे नहीं, ठीक है, 50% ऑफ द लोग आईपीओ केवल इसलिए लॉन्च करते हैं कि बोलने में अच्छा लगता है, टू ब्रॉडन द बेस ऑफ ओनरशिप, ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है। टू अलाउ वन और मोर प्रिंसिपल टू डाइवर्सिफाई पर्सनल होल्डिंग, टू मिनिमाइज आवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक इम्पोर्टेंट वर्ड है ना। To allow venture capitalists to cash out, to attract analyst attention, our company has run out of private equity। देखो ये सबसे कम है, जो लोगों को लगता है कि पैसे खत्म होने की वजह से, पैसे जुटाने की वजह से लोग आईपीओ लॉन्च करते हैं ना। लास्ट में केवल 27% ऑफ द सीईओस को लगता है कि पैसे खत्म है इसलिए हम लॉन्च करें, आईपीओ लॉन्च करें। तो पैसा इज नॉट अ रीजन, मेजर रीजन टू लॉन्चिंग एन आईपीओ ना, ठीक है, दैट इज द फैक्ट ना। समबडी हैव डन दिस एनालिसिस ना, आई गेस सम हैव टेकन दिस एनालिसिस फ्रॉम वेरी रेप्यूटेड दिस थिंग जर्नल ना। डेप्ट इज कमिंग सो एक्सपेंसिव ना। देखो आखिरी वाले, देखो पैसे बेस्ड जो डिसीजंस है, कह रहा है कि उधार लेना बहुत महंगा है इसलिए आईपीओ लॉन्च करेंगे पब्लिक से, या कंपनी के पास पैसा नहीं है, ये सबसे मतलब जिसको बोलते हैं लीस्ट प्रोबेबल रीजंस है ईशान ना। लोगों को क्या लगता है कि आईपीओ इज मेजरली टू लॉन्च, मेजरली टू रेज मनी। जब हमने पूछा आईपीओ क्यों लॉन्च करें, आईपीओ को क्या मतलब होता है, टू इन्वेस्ट, टू गेट मनी फ्रॉम द पब्लिक ना, ठीक है। दिस इज नॉट द मेजर रीजन, मेजर रीजन इज समथिंग एल्स ना। क्या मेजर रीजन है ना, ये समझने की जरूरत है ना, ठीक है। ये अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा ना, कि तुम लोग सोच रहे होगे कि आईपीओ लॉन्च करने के नुकसान क्या होते हैं तब तक ना। ये थोड़ा टेक्निकल है। द प्रोसेस ऑफ फ्लोटिंग एन आईपीओ ना, एक सेकंड रुक जाओ। अब ये दूसरा प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। प्रोसेस में वही पेपर वर्क के बारे में डिस्कशन है, बट लार्जर देन दैट वी शुड डिस्कस अबाउट द अदर वेज इन विच कंपनी जनरेट द फंड्स, ठीक है। राइट्स इशू दूसरा तरीका होता है, जहाँ पे कंपनी क्या होती है, इशू द सिक्योरिटीज ऑफर्ड ओनली टू द करंट स्टॉक होल्डर्स, ठीक है, ये राइट्स इशू होता है। पहला आईपीओ होता है ना, पैसा जुटाने का तरीका। दूसरा क्या होता है, राइट्स इशू ना। तुम लोग अब बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वहां पे देखोगे राइट्स इशू क्या होते हैं, जहां पे एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डर्स को केवल कंपनी ऑफर करती है कि जैसे आनवी ने अगर मेरी कंपनी के शेयर लिए हुए हैं ना, तो मैं आनवी को बोलूंगा कि भाई आनवी मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ कि मार्केट प्राइस मेरे शेयर का 100 रुपए है, लेकिन मैं आनवी को ऑफर करूंगा कि 50 रुपए में मैं तुम्हें अपना शेयर ऑफर कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो ना, स्टॉक होल्डर हो ना। तो इसको बोलते हैं, ये कंपनी जैसे रिलायंस ने अभी किया था ना, अपना राइट्स इशू लॉन्च किया था ना, जहाँ पे अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डर से पैसे आप रेज करते हो, उनको कम पैसे में स्टॉक ऑफर करके ना। अभी रिसेंटली मुझे को लग रहा है कुछ टाइम हो गया, बट रिलायंस हैव डन दिस थिंग रिसेंटली ना, राइट्स इशू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट्स इशू ना, यहाँ पे कंपनी एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डर्स को पैसे देती है, सॉरी को स्टॉक्स देती है लेस देन द मार्केट प्राइस ना, दैट इज द राइट्स इशू। अच्छा, ये एग्जांपल है ना, जहाँ पे कितनी वैल्यू में देना है, ठीक है, वो ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट पीपीटी ना। पीपीटी में देखो मैंने सोचा था कि बहुत कुछ डिस्कस करूंगा, ठीक है, बट आई डू नॉट वांट टू टेक मच टाइम, ठीक है, डिस्कस करने के लिए, या मेरे हिसाब से जो मुझे डिस्कस करना चाहिए, ठीक है, मैंने डिस्कस ऑलमोस्ट कर लिया है, काफी कुछ डिस्कशन हो चुका है हम लोगों का ना। कि कैसे क्या है। एक मैं सबसे आखिरी में डिस्कस जो करना चाह रहा था तुम लोगों से कि आईपीओ लॉन्च करने के नुकसान क्या है या डिसएडवांटेज क्या है या कोई कंपनी क्यों आईपीओ लॉन्च कर सकती है। वन बाय वन ना और कहना सर कहना है एनीवन। यस महक सर द लीडरशिप विल बी डिवाइडेड आई मीन द पावर विल बी डिवाइडेड। अच्छा yeah and sir they will not get the voting rights and then also they have to the leaders have to make profits for the shareholders। समझ गया आपकी बात। ठीक है एक-एक करके आपकी बात सुन लेते हैं पहले फिर हम अपनी बात बोलते हैं। यस three major points who wants to start? Yes okay so three major point which might be the reason that a company might not go for an IPO. First is that the company might not get a fair price in public, as public investor may not be able to evaluate or find the right market valuation which is up to the mark. Second, as when a company is listed, there are lot of accountability measures and which are long term, means you have to be accountable for everything, plus the company has to be transparent in all the operation and even financial statement, which might not be the best strategy for certain companies. They would like to be a bit more opaque as compared to transparent. Third, some companies